सज्जन जी जरा बताइए ना, अब रॉबर्ट वाड्रा किस हक से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं अमेठी की सीट पर, जरा समझा सकते हैं मुझे? देखिए जी, लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अधिकार है और कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। लेकिन मैं प्रश्न अपने साथ में जो हमारी दोनों बहनें हैं, मैं उनसे करना चाहता हूं। संजय निरुपम जी ने कुछ वर्ष पूर्व, जो भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं और केंद्रीय मंत्री अमेठी की सांसद हैं, श्रीमती स्मृति ईरानी जी, उनके बारे में बहुत ही अशोभनीय टिप्पणी की थी। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था कि उस वक्त भी मैंने उनकी आलोचना करी थी। तो क्या आज ये स्टैंड लेंगे कि संजय निरुपम एनडीए अलायंस में शामिल ना हो? जो भी एक ऑफेंडर है, जो एक महिलाओं का अपमान ऑलरेडी कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी नेता के बारे में उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि मैं आपके शो में उन शब्दों को दोहरा नहीं सकता। अच्छा, मतलब जो सामने है उसके कान नहीं खींचने हैं? नहीं, जो पीछे चला गया उसको खींच के वापस लाके फिर कान खींचे, ये कह रहे हैं? जो सामने है उसके कान नहीं खींचेंगे, जो पीछे जो दरवाजे से बाहर चला गया उसे वापस पहले बुलाओ फिर कान खींचो। लेकिन देखिए, सर क्या कह रहे हैं आप जी? अब जिसको रखना है, जो जिस नेता को रखे उसके बयान की जिम्मेदारी ले। आप पार्टी में आपकी जो है उसकी जिम्मेदारी तो लीजिए पहले। वाला जी ने माफी मांगी है? तो संजय निरुपम जी ने कहा माफी मांगी थी? तो दोनों को बराबर तोलिए ना, आप समानता रखिए, राजनीति क्यों करना? संजय निरुपम तो मेरा सवाल ही है, उस पर बोल रहे हैं आप, क्यों नहीं बोलते सर? महिलाओं के लिए सही शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, सुरजेवाला जी की भाषा कदापि समर्थन नहीं हो सकता। को माफी मांगनी चाहिए क्या आपने बोला? राहुल गांधी को बोलिए, ये होता है पार्टी से बाहर, ये कोई एक्शन लिया गया सुप्रिया श्रीनेत के ऊपर? इसे इसे कहते हैं क्लासिक एग्जांपल ऑफ एवरीथिंग गोइंग रॉन्ग, यानी कि एक सुचारिता जी एक दोहराना नहीं चाहिए, विशुद्ध उदाहरण इस बात का कि सब कुछ खराब हो रहा है और वही दिख रहा है इस वक्त। मैं सुनिए, मैं एक बार वरुण जी के पास चारू जी, मैं वरुण जी से जरा रिएक्शन लूं। वरुण जी, आचार्य जी ने अभी एक बात बोली है, उन्होंने एक बात बोली, दुष्यंत जी आ रही हूँ। वरुण जी ने आचार्य जी ने एक बात बोली कि जब तक राहुल गांधी रहेंगे केंद्र में ये पार्टी ठीक नहीं हो सकती है, क्या आप सहमत हैं? देखिए, मैं मेरा आपके लिए आदरणीय, मेरे लिए भी आदरणीय है, लेकिन मैं उनकी बात से सहमत है, सहमति में क्यों व्यक्त करूं? उनके अपने विचार है, मेरे अपने विचार है। मैंने आपको ये तो आप बोल रहे हैं, मैं तो कब से कह रहा हूँ सेंट्रल सिस्टम को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। और जहां तक सुरजेवाला की बात है, मैंने नहीं कहा आपको कि जितने डिप्लोमेटिक हो जाते हैं, सीधे बोलिए ना, सेंट्रल सिस्टम क्या है? खड़गे जी, सेंट्रल सिस्टम कौन है? सेंट्रल सिस्टम नाम लेके सुचारिता जी, मैं नाम लेके किसी को आरोपित नहीं करता, सबके अपनी अपनी आइडेंटिटी है, दुनिया में आए तो अपने भगवान ने भेजा है उनको। मैं बात करता हूँ पॉलिसी की, सिस्टम की। अभी आपने बात करी शाब्दिक आचरण की, क्योंकि मोदी जी ने माफी मांगी, क्या जर्सी गाय बोला एक माँ को? नहीं मांगी ना, सब हेड ऑफ द फैमिली ने। अब आज मैं सुरजेवाला जी कह रहा हूँ, मैं क्यों ऐसे लोग कर रहे हैं? क्योंकि तीन तीन बार हार जाते हो जमाना, जब राज्यसभा से नवाज रहे सेंट्रल सिस्टम, तो उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा कुछ भी बोलो, कांग्रेस का नुकसान हो फायदा हो। तो कांग्रेस का सेंट्रल सिस्टम की मैं शुरू से बात कर रहा हूं कि किन लोगों को ओबलाइज करे जा रहे हैं। अभी आपने संजय निरुपम गौरव वल्लभ में अब लेना पड़ रहा है, टीवी पे नाम है, नाम किसी की इमेज डैमेज करने की बात नहीं। ये कौन है? कांग्रेस में आते हैं कहीं से बाहर से, पद दे देते हैं इनको, फिर ये वापस चले जाते हैं यूज करके कांग्रेस का प्लेटफॉर्म। तो इसका दोष तो सारा सेंट्रल सिस्टम है। अब आचार्य जी खुल के बोल रहे हैं क्योंकि कांग्रेस से बाहर चले गए, क्योंकि उनको कांग्रेस में उनको भी दो बार टिकट मिली थी, ऐसा नहीं है नहीं मिली। बहुत से हजारों लाखों कार्यकर्ता है इनसे ज्यादा काम किए हुए, 50-50, 70-70 साल के, नहीं मिला कोई पद, फिर भी कांग्रेस में इंटैक्ट है। कांग्रेस से वही लोग गए जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप है या बाहर से घुसपैठी है। कार्यकर्ता नहीं जाएगा, राहुल गांधी की पहले ये बोलो बयान गलत था कि नहीं था, बोल दिया ना कितनी बार बोलो आपके मत जाओ, आपके सीधा मेरा सवाल है भाई साहब, ये बयान गलत था कि नहीं था सुरजेवाला का? सुचारिता, और अगर गलत था तो माफी किसने मांगी? मोदी जी का गलत था कि नहीं था? मोदी जी का गलत था कि नहीं था? अरे मोदी जी का गलत था कि नहीं था? बोला आप, मैं सबके लिए बोलता हूँ। नहीं, एक मिनट, आपको हर बात में मोदी जी याद आ जाते हैं, आप इस समय इस विषय पर रहिए, बोलिए कि आपने कहा जो बयान था वो गलत था? बीच में डिबेट, एक महिला का अपमान आपने किया वो सही लगा आपको? क्या आपने बोला सुरजेवाला को माफी मांगनी चाहिए? क्या आपने राहुल गांधी जब सारे पुर्जे खराब होने लगे तो एक ओवरऑलिंग की जरूरत पड़ती है? जब सारे पुर्जे खराब होने लगे तो ओवरऑलिंग की जरूरत पड़ती है, और वो ओवर क्या होगी मैं उसमें दिलचस्पी रख रही हूँ, क्योंकि जब वरुण जी आप अपना प्रेम कांग्रेस पार्टी के लिए दिखाते हैं तो जरूरी है ये समझना कि वो पार्टी बच पाएगी या खत्म हो रही है।
मेरा सवाल ये है, बच पाएगी या खत्म हो रही है? प्रीति जी ओवरऑलिंग समझ रही है ना, तो इसलिए इस पार्टी में बहुत कुछ करने की जरूरत है या फिर नहीं कर पाएंगे? अब अभी कोई स्कोप नहीं बचा है। हाँ सुचरिता जी, एक एक सेकेंड देखिए, अभी इनकी हालत इतनी खराब है, इतनी बुरी है कि पार्टी के प्रवक्ता जो चैनल पे आते हैं उनको भी पता है कि कांग्रेस अपनी जो सूची जारी कर रही है उसमें अमेठी और रायबरेली बार बार स्किप कर रही है। आप लगातार अपने सूची जारी करने पे कैंडिडेट भी नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता अरे पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप भैया भाई साहब बात करिए, वो बाहर है, वो स्टूडियो में नहीं है, उनकी बात कंप्लीट होने दीजिए। आप भाई हैं मेरे, आप बड़े भाई हैं, मैं स्टूडियो में नहीं, आप बड़े भाई हैं मेरे, आप तो कभी ऐसे डिबेट खराब नहीं करते, प्लीज सुनिए। देखिए आपको अंदर से स्वयं जब आप और मैं भी नहीं हूं प्रीति जी, तब आपको खुद भी उसका पता भी ध्यान नहीं रख रहे, हालत इतनी खराब है और कांग्रेस की हालत इतनी खराब है, कांग्रेस की हालत बहुत खराब है। अमेठी और रायबरेली से परिवार का सदस्य भी अगर इस बार लड़ेगा, अगर चाहे प्रियंका जी लड़े, चाहे सोनिया जी लड़ती जो राज्यसभा चली गई, या स्वयं राहुल गांधी लड़ते या जीजा जी खुद लड़े, तो कंफर्म नहीं है कि ये दो सीटें निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी। आप पार्टी में हैं, अंदर की बात है, आपको पता ही होगा कि पार्टी की रिपोर्ट क्या है। तो सबसे बड़ी बात कि मोदी जी का नाम रखने से अच्छा है, अरे सुन लीजिए मैं बाहर हूँ, मेरी बात सुन लीजिए, मोदी जी का नाम रटने से अच्छा है कि सुचेता जी इनको शांत कराइए, सुचेता जी इनकी शांत करें, आप बोलिएगा अपने बारे में। अरे भाई आप प्रीति पांडे के नाम से डर क्यों जाते हैं भाई, कल तक तो मोदी जी के नाम से डरते थे, कल तो आप मोदी जी के नाम से डरते थे, अभी प्रीति पांडे बोलने लगे तो आप पूरे परिवार को सजेशन दीजिए, पूरे परिवार को सजेशन दीजिए कि ड्राइंग रूम में चाय पे चर्चा करें और पूछे एक दूसरे से कि भैया पिछले 20 सालों में कांग्रेस में क्या खराब हो गया, ये चाय बेचने वाला सामान्य व्यक्ति आज देश के 130 करोड़ की जनता के दिलों पर राज कैसे करने लगा, गांधी परिवार कैसे इतनी लीक से बाहर हो गया, ये आकलन का विषय है, स्वयं बैठ के बात करने का विषय है, रोज मोदी 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 करके मोदी जी को गालियां देने का समय चला गया, गांधी लड़ेंगे तो 100% जीतेंगे, 101% जीतेंगे। सुचरिता जी मेरा एक छोटा, मैं वरुण जी आपसे पूछ रही हूँ, रॉबर्ट वाड्रा पर तो बोलिए क्योंकि अभी कंटेंट है ही नहीं, राहुल लड़ नहीं रहे हैं, प्रियंका आ नहीं रही है, आप सिर्फ दवाची बचे, आप बोलिए ना, मेरी बात सुन लो, प्रियंका गांधी लड़ेगी तो 101% जीतेगी, रॉबर्ट वाड्रा की बात है, वो देखिए वो परिवार का मामला, मैं कैसे खारे जैसे वो नहीं आ रही सामने, जिसको मैं चाहता हूँ ग्रास रूट कांग्रेस के कार्यकर्ता को टिकट मिले, कांग्रेस ग्रास रूट कार्यकर्ता को टिकट मिलना चाहिए। दूसरी बात, आपने राहुल गांधी के पीछे मेरी बात छूट गई थी, बीजेपी के बार बार इंटरप्शन शुरू हो जाते हैं, 4 तारीख को परिणाम आएगा, उसके बाद डिसाइड करेंगे कौन नेता। अरे पर रॉबर्ट वाड्रा पर तो बोलिए उनको टिकट दे कि नहीं दे, उनको नहीं प्रलोभन चाहिए, वो खुद आकर कह रहे हैं मुझे चाहती है जनता, मैं बनूं वहां से सांसद, ऊपर तो बोलिए, मेरी जो व्यू है मैंने आपको बता दिया, कांग्रेस का समस्या शायद यही है, आप सारी कमियां गिना रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, लेकिन आप फिर भी आला कमान पर छोड़ रहे हैं, आप बार बार कह रहे हैं कि दिक्कत है पार्टी में, लेकिन आप फिर भी फैसला आला कमान पर छोड़ रहे हैं, वो आला कमान कौन है, वो सोनिया गांधी है, वो राहुल गांधी है, तो फिर तो राहुल गांधी पर ही सवाल उठ रहे हैं, अगर वही फैसले लेंगे तो फिर कैसे होगी वो ओवरऑलिंग जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, जरा सोचिए इसके बारे में। मेरे पास समय इतना ही था महाभारत में, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।